Dear students, good morning. In today's topic, the very first topic is back EMF and back torque. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का कंसेप्ट ले लेते हैं. This topic is in accordance with Lenz's law. आपने Lenz's law पढ़ा हुआ है. Faraday दो laws पढ़े हुए हैं आपने. So sometimes we also call as Lenz's law as Faraday's third law. Lenz law में ऐसा बोला हुआ था, the direction of induced current is such that induced current का जो direction होगा वो अपने ही cause को oppose करेगा. ठीक है, वो उसका जो भी originator है ये अपने उस origin के cause को oppose करेगा. So its direction will always be controversial to its cause or the origin. So अब ये because पूरा theoretic topic है, so we will be studying each and every sentence. सबसे पहले generation of EMF, कितने ways में हम EMF that is electromotive force को एक circuit में generate कर सकते हैं. So सबसे पहला source है आपके पास एक battery जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं. एक बैटरी में एक पॉजिटिव प्लेट होगी एंड अनदर विल बी द नेगेटिव प्लेट. पॉजिटिव चार्जेस विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड विच विल गिव राइज टू द ईएमएफ. सेकेंड टाइप आता है आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स. ये जो आपके पास वर्ड है पीजो and electric means electricity will be generated by mechanical stress. एक reason होगा आप इस crystal को mechanical stress देंगे और इसकी जो latent heat है that will be converted into electricity. So this is the concept of piezoelectric crystal. Then the third comes thermocouple. Thermocouple means दो metals जिनको आप join करेंगे तो obviously you will be getting two junctions. तो दोनों junctions के across दो different metallic wires हैं तो उनके across जो temperature gradient या फिर temperature में differences establish हो रहे हैं. Suppose हम लोगों ने current electricity में एक example लिया था. Suppose this is copper and another metal is the iron. ये हम लोगों ने लिया था iron. अब आपको दो junctions मिलते हैं. Suppose we call this junction as J1 and this is second junction as J2. एक junction को आप hot maintain करते हैं और दूसरे junction को आप cold maintain करते हैं. If this is copper and this is iron, तो हम लोगों ने thermoelectricity में पढ़ा हुआ है as an example of hot coffee. इस तरह से हम लोगों ने उसको tricky बना लिया था. Means at the hot junction, the thermoelectric current goes from copper to iron. तो hot coffee को आप इस तरह से tricky way में लिख सकते हैं. तो copper to iron at the hot junction. So this is the direction of thermoelectric current. So obviously at the cold junction the current will be going from iron to copper because current हमेशा looping करती है एक closed circuit में. Then आपके पास fourth example आता है EMF generate करने का, a photoelectric cell जिसको आप dual nature of matter and radiation में पढ़ चुके हैं. So photoelectric cell में आप जब लाइट फॉल करेंगे ऑन अ फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस एंड इफ इट कैरीज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस द इंसिडेंट लाइट अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी देन द फोटो एमिशन विल स्टार्ट. तो फोटो एमिशन स्टार्ट हुआ बिकॉज करंट फ्लो स्टार्ट हो गया एंड करंट फ्लो कभी भी जब स्टार्ट होता है जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक, सो दिस वाज द फोर्थ केस. नाउ द फिफ्थ केस इज चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं हम वैन डी ग्राफ जनरेटर वेयर वी टेक द कन्वेयर बेल्ट. कन्वेयर बेल्ट चार्जेस को कैरी करेगा
एंड ऊपर जाकर वो अपर कन्वेयर बेल्ट को दे देगा और फिर वो कन्वेयर बेल्ट अपने डोम को पास कर देगा। तो इस तरह से डोम के बाहर जो आपने स्फेरिकल डोम लिया हुआ था उसके बाहर एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। सो इन दिस ऑल 5 केसेस वी हैव सीन हाउ वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड हेंस वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करेंट। सो ये जो आपने 5 EMFs देखे कि किसी न किसी वे में आप EMF जनरेट करते हैं, दीज आर द 5 मेन टाइप्स ऑफ EMF जिसमें हम किसी न किसी वे में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। मीन्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर मोर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे एंड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट लेस नंबर ऑफ चार्जेस। सो व्हेन एवर देयर विल बी अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर नंबर टू द लोअर नंबर एंड इस तरह से EMF क्रिएट हो जाएगा। बट आप ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज द बैक EMF। सो इसमें आप किसी भी जैसे मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, आप कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, तो किसी भी वे में आप एक कंडक्टर को सपोज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं और उसके थ्रू कट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। सो आपको मिल जाता है d∅ by dt एंड दिस विल बी प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। अब जब भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, एक कोशिश होगी लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग कि इंड्यूस्ड EMF को कम किया जाए। ऐसी कोशिश जो होगी उसमें जो प्रोडक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द बैक EMF। तो एज वी हैव स्टडीड अ जनरेटर कि हम लोगों ने दोनों का बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा हुआ है, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर और इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है एसी जनरेटर। तो दोनों का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो सेम है। इस केस में अब आर्मेचर को ही हम लोगों ने देखा था कि इस कॉइल को हम किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू रोटेट करेंगे एंड जब ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए रोटेट होगा सो इसके एंड्स के अक्रॉस BNB दैट इज इंड्यूस्ड EMF जिसको हम लोगों ने बोला था मोशनल EMF दैट विल बी जनरेटेड। सो वी विल बी ऑब्जर्विंग द नेक्स्ट पैराग्राफ। अ जनरेटर utilizes the movement of wire or better to say the rotation of a conductor through a magnetic field to produce motional EMF or current through a circuit. So we have seen that the physical construction of a DC generator and motor is practically the same. पोल पीसेस यूज होंगे, कॉइल यूज होगा, ब्रशेस, स्प्लिट रिंग, ऑल ओवर विल बी सेम। If a DC generator is connected to a battery, it will run as a motor, and if a motor is turned by any external means, it will behave as a generator. So whenever a motor is running, its generator action cannot be turned off. तो मोटर जब रनिंग कंडीशन में है तो उसके जनरेटर एक्शन, सो व्हाट इज दिस जनरेटर एक्शन, टू जनरेट द अल्टरनेटिंग करंट, इट कैन नॉट बी टर्न्ड ऑफ ड्यू टू बैक ईएमएफ। सो आगे इसका रीजन देखते हैं। बाय लेंजेस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द बैक ईएमएफ विल टेंड टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेस इट। सो इन द प्रेजेंट केस the cause is the current, means armature के through जो current produce होती है वही cause है, वही cause है मतलब वही origin है। so induced EMF अपने cause को oppose करेगा, तो उसका cause है current through the armature, so the induced EMF will tend to reduce the armature current, hence the induced EMF
which is unavoidable due to generator action in a motor is called back EMF. So this is the definition of back EMF in a generator. The induced EMF which is unavoidable means आप उसको खत्म नहीं कर सकते due to generator action in a motor is called back EMF. तो starting में जब motor को आपने just on किया है, so initially when a motor is just starting up, its armature is not turning. Just start किया है तो उस समय armature turn नहीं हो रहा है. So, जब आर्मेचर टर्न ही नहीं हो रहा, सो द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नियरली इक्वल टू जीरो. सो उस समय कोई भी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. एज द मोटर स्टार्ट स्पीडिंग अप, अब अपोजिट एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे जैसे मोटर में स्पीड बढ़ती जाएगी, बैक ईएमएफ का ऑपोजिशन भी बढ़ता जाएगा. And therefore, armature current decreases. So this explains the reason as to why the current through a motor is larger in the beginning than when the motor is running at full speed. क्योंकि जैसे-जैसे वो full speed पर आएगी, back EMF का magnitude भी बढ़ता जाएगा, and hence it will try to reduce the current. Now the next topic is induction and energy transfer. So in this topic we will be comparing that what is the power when we take as respect to the mechanical work. तो आपको दो तरीके से power calculate करना है. एक तो power आपको calculate करना है mechanics के according, जिसमें आप power को बोलते हैं rate of doing work. So the final formula comes as F dot V, dot product of force and velocity. और दूसरा आप electricity में बोलते हैं, the rate of production of heat energy is also taken as power and it is directly proportional to square of the current. तो ये दोनों ways में जब हम लोग power को mention करेंगे, so we will be finding that the final results remain same. So to calculate the process, just we have taken a loop A, B, C, D. इस टॉपिक को हम पार्शियली पहले कर चुके हैं. हम लोगों ने एक लूप लिया हुआ है A, B, C, D. चेक द फिगर. इसमें ये जो आपके पास B, C पार्ट है, चेक दिस. You can take it as a slider also. जैसे हम लोगों ने पहले जो प्रूव किया था मोशनल ईएमएफ में, तो हम लोग इस बीसी को एक स्लाइडर मींस एक मूविंग कंडक्टर भी ले सकते हैं. सो दिस कंप्लीट लूप ओवर हियर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बी इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी. अब मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, क्रॉस से दिखाए हुए आपको. इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड is going into the plane of the paper. तो आप अपना right hand ready रखेंगे direction of field lines और direction of current निकालने के लिए. Now check, a current I is induced in the loop. Induce हुई है current in the loop in the clockwise direction. तो ये I current clockwise direction में कैसे आई है, means this is the induced current. So how its direction is clockwise, कुछ देर बाद हम लोग ये fact भी देखेंगे. Now different conductors like AB, AB आपके पास में part of the loop है, वो force feel करता है F2, AD force feel करता है F1, and next part DC फोर्स फील करता है F3. अब अगर हमको इस कंडक्टर को बाहर खींचना है, आपको इसको बाहर पुल करना है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स F ऑन द लूप सो एज टू ओवरकम द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सो सपोज हम BC कंडक्टर पर बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F. So because this is the external force, hence due to this force,
द कंडक्टर विल बी कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक, अब जैसे जैसे ये कंडक्टर बाहर मूव करेगा, आप नोट करते जाएंगे बेटा, जैसे जैसे ये कंडक्टर मीन्स दिस लूप विल बी कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा, एज वेल एज इफ यू आर टेकिंग दिस साइड ए बी इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड एज एक्स, क्योंकि ये जो डॉट्स हैं ये आपको बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री। ये पूरे डॉट्स आप देख सकते हैं, दिस इज टेलिंग कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक कन्फाइंड है। तो जहां तक डॉट्स हैं वहां तक मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है। सो अगर आप ए बी को बाहर मूव करते हैं, सो ए बी की जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मीन्स टिल दिस लेंथ, वी कैन डिफाइन दिस लेंथ एज एक्स। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर को आउटवर्ड पुल करेंगे, वी नो दैट एक्स डिक्रीजेस, लेंथ एक्स कम होगी, हेंस द फ्लक्स डिक्रीजेस। सो वी कैन टेक दैट फ्लक्स इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए, और एरिया जो कि अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो वी कैन टेक फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल इंटू एक्स। सो लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन। नाउ वी कैन अप्लाई फैराडेज सेकेंड लॉ। सो फैराडेज सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इज इक्वल टू d by dt of BLx। अब इसमें से BL एंड तो कांस्टेंट है, सिर्फ x चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं। सो दिस इज b into l into d by dt of x। As with respect to dimensions, the rate of change of displacement is called as the velocity। So we get the magnitude of induced EMF as the motional EMF, means BLv। So let this be equation number 2। हम फिर से equation 1 भी mention कर देते हैं। The magnetic flux linked with the area is BLx। This was equation 1। And the induced EMF in the whole loop is the motional EMF, which is BLv। Now this induced EMF, which is represented on the left, मतलब coil का वो part check करेंगे, coil का वो part जो magnetic field के अंदर है, means this part, this I am covering by the yellow color, coil का ये left part carry करता है अपने आप में the EMF BLv। Hence we can take the resistance, जो resistance लेंगे आप, collective resistance जो consider करेंगे, that will be only the R, capital R। हमने पूरे loop का resistance consider कर लिया, so we can get the magnitude of induced current। इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो इसको हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन द कलेक्टिव रेजिस्टेंस। सो दिस इज बी एल वी बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय आर, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। अब हमको फाइंड करना है दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। So we find the direction of induced current by Fleming's right hand rule. This is by Fleming's right hand rule. तो मैं फिर से एक बार diagram draw करती हूँ। This was the magnetic field which was going into the plane of the paper
और इसके अंदर हम लोगों ने रखा हुआ था एक करंट लूप, ठीक, दिस वाज द लूप। इस पर लगा रहे थे हम एक एक्सटर्नल फोर्स उसको बाहर खींचने के लिए। ड्यू टू दिस इट वाज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, सो टू बैलेंस दिस फोर्स वी गेट एन इंटरनल फोर्स, एक अपोजिट फोर्स मिल जाएगा हमें, विच वी आर टेकिंग एज एफ वन। अब जो आपके पास कंडक्टर के टू डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक कंडक्टर के दो पार्ट्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी डी, उन पर भी फोर्सेस लग रहे हैं, काउंटर बैलेंस्ड फोर्सेस, दोज फोर्सेस आर एफ टू एंड एफ फोर। बट सिंस एफ टू एंड एफ फोर आर इक्वल, उनके मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे बट वो अपोजिट है, एज वी कैन सी एफ टू इज अपवर्ड एंड एफ फोर इज डाउनवर्ड, सो बोथ द फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर। तो आपने ये दोनों फोर्सेस को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो ओनली फोर्स बचता है दैट इज एफ वन। सो आप जैसे ही चेक करेंगे द कंडक्टर ए बी और द कंडक्टर बी सी, कोई भी एक पार्ट हम एज्यूम कर लेंगे, सो लेट्स एज्यूम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेट्स एज्यूम कंडक्टर ए डी। अब कंडक्टर ए डी पर आप अप्लाई करो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक, आप अपना राइट हैंड स्ट्रेच करें बेटा। तो हम लोग रूल को साथ साथ में लगाएंगे। सबसे पहले आपकी जो इंडेक्स फिंगर है दैट इज द फोर फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर आपका मोबाइल वर्टिकल मोड में है तो आप अपनी फोर फिंगर को हॉरिजॉन्टल मोड में मोबाइल के अंदर जाता हुआ दिखाएंगे, एंड अगर आपने अपना मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है तो आप अपनी फोर फिंगर को वर्टिकली डाउनवर्ड कंडीशन में मेंशन करेंगे। नाउ स्ट्रेच राइट हैंड इन सच अ वे सच दैट थंब, फोर फिंगर एज वेल एज द मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले फोर फिंगर इनवर्ड जाती है बिकॉज दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। Now the direction of the force is shown by the thumb and the direction of induced current. Force ka direction aap dikhate hain thumb se and induced current ka direction dikhayenge hum middle finger se. So as we see the direction of induced current will be clockwise. Will be clockwise and hence we get all three data with the help of Fleming's right hand rule. So equation 1 hum phir se likh lete hain, magnetic flux was B into L into X, equation 1. Equation 2 was the magnitude of motional EMF was BLV, equation 2. And then we got the induced current by Ohm's law, which is equal to B into L into V upon R. This is equation number 3. Now, जैसे ही आप force का magnitude निकालते हैं, because F2 and F4 तो cancel हो चुके थे, sorry, F2 and F3 were cancelled, and we got that the external force is equal to and opposite to F1. So, अगर हम vector forms लेते हैं, तो यह minus sign आ जाएगा. And the magnitude of F1 can be written as B I L sin theta, where we are taking angle as 90 degree. So, this is the maximum force B I L. Let's take this equation as 4. Now, if we consider equation number 3 and equation number 4. So, equation 3 hai aapke paas I equals to B L V upon R and equation 4 is just F equals to B I L.
we can put the value of I. So this is B into B L V divided by R into L. So this force is obtained as B square L square V divided by R. Let this equation be numbered as equation number 5. ठीक अब हम चलते हैं मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग दैट वी गेट पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड एज वी टेक वर्क एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी सो पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी बट एज थीटा इज 0 degree सो दिस बिकम्स एफ इनटू वी नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इनटू वी सो अगेन वी गेट पावर इक्वल्स टू पावर पी इक्वल्स टू B square L square V square divided by R which is equation number 6. So as we know that power in the mechanical form is B square L square V square upon R and it was obtained by the expression work done upon time. अब हम लोग चलते हैं calculation of power कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल वे में सो एज वी नो व्हेन एवर करंट आई फ्लोस थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट हुज कलेक्टिव रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर वी नो दैट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी दैट इज डी एच अपॉन डी टी When we pull out the loop with the constant velocity v, क्योंकि जब भी work होगा साथ में ही heat produce होगी तो जो rate of production of heat energy है उसी को आप बोल देते हैं electrical power and which is directly proportional to square of the current. Now again to put the value of current we put it v L v upon R. And its whole square into R. Now we solve it by taking whole square. P is equal to V square, L square, V square. So R, R will cancel. And we get the answer as V square, L square, V square divided by R. So now compare this equation with the power generated by mechanical work that was equation number 6 so when we compare equation 7 with equation 6 we get as conclusion that the rate of doing mechanical work is exactly same as the rate of production of heat energy This is rate of production of heat energy in the circuit or in the loop. Hence, we can say that whenever we pull the loop, जब भी आप loop को external magnetic field से बाहर खींचेंगे with the constant velocity v, so इसके कारण लूप में एक हीट एनर्जी डेवलप हो जाएगी एंड द पावर विल बी इन दिस केस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कलेक्टिव रेजिस्टेंस सो दिस फॉर्मूला रिजेंबल्स द मैकेनिकल एनर्जी रेट एज वेल एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द कॉइल Whenever we consider with the help of induction. आप कुछ numericals कर लेते हैं which are taken from Maharashtra State textbook. So first numerical MCQs different video में cover किए हुए हैं so यहाँ पर हम लोग सिर्फ numericals करेंगे state textbook के. So check
न्यूमेरिकल नंबर 4, अ हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसका डायरेक्शन देख लेंगे। वायर का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सो बी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 20 मीटर एंड नॉर्मल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, मतलब वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, सो दिस इज बी इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, सो बी एल वी ऑल आर गिवन एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट वी इज परपेंडिक्यूलर टू बी बिकॉज The wire is extended from east to west. इस तरह से extended है wire. ये आपके पास wire है और ये fall होती है. So this is B and this complete is the length of the conductor. And it is given that B and B के बीच का angle है 90 degree. So we have to find the value of induced EMF. So as we can consider this is a case of motional EMF. क्योंकि आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर यूनिफॉर्म मान रहे हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो वेन एवर अ कंडक्टर मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड EMF विल बी क्रिएटेड बिटवीन इट्स टू एंड्स. तो इसके एंड्स ए एंड बी के बीच में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम यहाँ मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं, विच इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा क्रिएट हो जाएगा. सो एज थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो वी गेट मोशनल ईएमएफ एज बी एल वी. अब आप तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे. Since the value of the magnetic field is given as 0.5 into 10 to the power minus 4, length of the wire is 20, ये आपको given है tesla, length given है meter और velocity given है आपको 10 meter per second. So all units are SI, therefore it is not needed to convert any of the unit. Now take all the numbers together, 0.5 into 20 और 10 की पावर है minus 3, EMF का SI unit है volt, तो आपके पास final answer आ जाता है 10 into 10 to the power minus 3 volt, which is equal to 10 raised to minus 2 volts. But अगर आप इसको सब multiple से convert करते हैं, so we can multiply by 10 and divide by 10, which makes the power as minus 3. So now this 10 to the power minus 3 volt can be taken as millivolt. So textbook mein aapko iska answer given hai 10 millivolt. Because it is useful for solving MCQs also, ki answer aapko kis form mein mil raha hai. वो सब मल्टीपल एंड मल्टीपल का नॉलेज होना जरूरी है. चेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन. तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं. सबसे पहले ये आपके पास एक मेटल डिस्क है and this is spinning at 20 revolutions per second, means the frequency of rotation is 20 revolutions per second, को आप directly hertz भी बोल सकते हैं. अब about an axis passing through its center and normal to its plane, तो ये इस तरह से ये इसका axis जा रहा है passing through its center and normal to its plane, इसके about ये disc spin हो रही है, means this is rotating. The disc has a radius of 30 centimeter, so radius is 30 into 10 to the power minus 2 meter, so it can be taken as 3 into 10 to the power minus 1 meter and spins in a uniform magnetic field of 0.2 tesla. So aapko magnetic field ka direction given hai parallel to the axis of the rotation.
तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है क्वेश्चन में. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है. एंड सिंस द वैल्यू इज गिवन, सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज टेकन एज 0.2 टेस्ला. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इन द फर्स्ट केस द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो हर सेकेंड डिस्क अपना कितना एरिया कवर करती है ये हमको फाइंड करना है. तो वी कैन फाइंड द एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड बाय द डिस्क एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको यहाँ गिवन है 20 इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी into area of the disc, and area of the disc we can find by the area of circle, it means pi r square. So to solve the first question, we can take the area swept per second is frequency 20 hertz, pi ki value 3.14 and radius ki value 3 into 10 to the power minus 1 and it's square. Now we will be taking numbers together. So we get this number as 62.8 multiplied by 9 into 10 to the power minus 2, and this is area, so the unit will be meter squared. So we get an approximated answer after solving this as 5.65 meter squared, which is answer A. Now to solve the second question. Second question check karenge aap. We have to find the flux cut, flux means pi, cut per second by a radius of the disk. Flux cut per second means we have to find the rate of change of flux, d phi by dt humko find karna hai is case mein in the question number B. Now as the flux is given by the product of the magnetic field and the area vector, and when theta is 0 degree, this is just BA. So we have to find BA divided by T. Now check in the question, the value of B is given as 0.2 Tesla, area is 5.65 and the time is given as, check karenge aap value of time given in the question. तो क्वेश्चन में कोई भी टाइम गिवन नहीं है आपको, सो यू विल बी टेकिंग इट पर सेकेंड, सो दिस इज जस्ट वन. सो वी गेट द आंसर फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द कॉइल इज 1.31 एंड द यूनिट विल बी वेबर पर सेकेंड. ठीक है, वेबर पर सेकेंड. नाउ चेक इन द थर्ड क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय फैराडे सेकेंड लॉ, बट द यूनिट विल बी जस्ट वोल्ट. सो दिस आंसर इज ऑल्सो 1.31 वोल्ट एस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइ बाई डी टी. नाउ चेक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 6. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी. So as the mutual inductance is shown by capital M, this is 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 10 ampere, so the initial current is 0 and the final current is 10 ampere, and the time in which the current changes is 0.2 second. What is the change of flux linkage with the other coil? So change of flux linkage means we have to find out d phi. This is unknown quantity. So as we know, the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. And when we put phi equals to M into I, this is equal to M into dI divided by dt. Now we are putting all the values. So we can have just E is equal to M into dI divided by dt. Now take all the values given in the question, have a look. So the value of M is given as 1.5 into I2 minus I1, so this is 10 minus 0,
divided by dt and t is given as 0.2. So it will be 1.5 into 10 divided by 2 ले लेते हैं आप इस 0.2 का 10 ऊपर numerator में लगा देते हैं. So we get the answer as 1.5 into this is 25 sir. So this is into 50. So answer आपके पास जो आएगा 75 volt आएगा. But if you have to calculate just D phi, that is the flux linkage, so this will be just equal to M into I, that is the product of mutual inductance and the current. As the mutual inductance is given to us 1.5 and the current will be 10 minus 0, that is the rate of change of current. Only the change of current, that is I2 minus I1, we are not taking rate. So this will be just equal to 15 Weber. So have a concentrated look at this question, which is number 6 in the Maharashtra State textbook. Next question is, a long solenoid consisting of 1.5 into 10 to the power 3 turns per meter. So आपने solenoid magnetic effect of electric current में पढ़ा हुआ है. This is by the unit, we can assume that this is number of turns per unit length, जिसको हम symbol n, small n से represent करते थे. तो it is given as 1.5 into 10 to the power 3 turns per meter. Has an area of cross section of 25 centimeters square. Solenoid का area आपको given है 25 SI unit में लिया 10 to the power minus 4 meter square consisting of 150 turns. एक coil लेते हैं आप जिसमें 150 turns हैं, is wound tightly around the center of the solenoid. तो अब ये एक solenoid का case आपके पास खत्म हो गया, ये एक कहानी finish. अब start होती है आपके पास coil की कहानी. Coil में number of turns है 150 and we have to calculate for a current of 3 ampere in the solenoid the following things. ठीक, solenoid में current है आपके पास I is given as 3 ampere. Now check the figure. आपके पास सबसे पहले है long solenoid. So this is long solenoid और इसमें जो turns हैं वो isolated from each other हैं. Now a coil consisting of 150 turns is wound tightly around the center of the solenoid. तो इसके center के पास में हम लोगों ने इस तरह से एक coil को tightly wound कर दिया हुआ है. अब इस solenoid से linked जो magnetic flux है वो इस coil में से भी pass होगा. So we can have first जो आपको find करना है the magnetic flux density at the center of the solenoid. तो इसका formula हम पढ़ चुके हैं magnetic effect of electric current में B sole equals to mu zero n into I. So we can have all the data for solving the question. So for first magnetic field produced at the center of the solenoid is mu naught into number of turns per unit length into the current. Now the value of mu naught is 4 pi, power ko hum last mein likh dete hain, into 10 to the power minus 7 in SI unit. Number of turns per unit length in the solenoid is 1.5 into 10 to the power 3. तो पावर को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड इज 3. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.142 इनटू 1.5 इनटू 3, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 4 एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला बिकॉज ऑल द यूनिट्स आर टेकन इन एसआई यूनिट. So we get after solving the answer for the magnetic field as 5.66 just in accordance with the textbook answer into 10 to the power minus 3 Tesla. ये इन numbers के internal adjustment के कारण आपको power 10 और मिल जाएगा 10 raised to 1. So this power is 10 raised to minus 3. Now in the second question in part B, we have to find out the flux linkage in the coil C. ठीक है, तो
कॉइल सी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉइल सी कंटेन्स 150 टर्न्स, तो सोलेनोइड से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपने से फ्लक्स को लिंक करेगा. सो द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न इज बी इनटू एरिया. सो ओवर हियर बी विल बी टेकिंग एरिया ऑफ द कॉइल, बट कॉइल को आपने किसके ऊपर वाउंड किया हुआ है, सोलेनोइड के ऊपर, एंड टाइटली वाउंड किया है. सो एरिया ऑफ द कॉइल विल बी सेम एज एरिया ऑफ द सोलेनोइड, एंड एरिया ऑफ द सोलेनोइड इन द क्वेश्चन इज गिवन एज 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स. अब ये जो फ्लक्स लिंकेज है वो सिर्फ वन टर्न के साथ है, बट कॉइल में है 150 टर्न्स, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एन. सो दिस इज बी का आंसर. बी सोलेनोइड प्रोड्यूस हुआ था 5.66, पावर को मैंने लास्ट में ले लिया. एरिया ऑफ द सोलेनोइड इज सेम एज एरिया ऑफ द कॉइल, सो दिस इज 25 एंड पावर एडजस्टेड हियर एंड दिस इज 150. So when we solve it, again we get exact answer according to the textbook. So the answer is 2.12 into 10 to the power minus 3 Weber. Now check part C of the question, where we have to find out the average EMF which is induced in the coil if the current in the solenoid mein jo hum current flow kar rahe hain उसको हम रिवर्स कर देते हैं इन द डायरेक्शन इन अ टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड. ठीक है, अब इसमें आप लगाएंगे लेंजेस लॉ. तो जैसे ही हम लोगों ने सोलेनोइड में करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, वी विल बी गेटिंग द चेंज ऑफ फ्लक्स. सो वी गेट ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी. सो फ्लक्स पहले था आपके पास 2.12, बट जैसे ही आपने रिवर्स किया, सो दिस इज पहले ही माइनस लिया हम लोगों ने. अब पहले फ्लक्स था आपके पास में ऑलरेडी माइनस 2.12 इंटू 10 टू द पावर, चेक द पावर माइनस 3 वेबर. माइनस करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पर ये माइनस हो गया. And the initial flux was 2.12 into 10 to the power minus 3 divided by जिस time में flux reverse किया है उस time को आपको question में दिया हुआ है 0.5 second. So we get E equals to minus, दोनों add हो जाएंगे. So this will be minus of 4.24 into 10 to the power minus 3 and 0.5 can be written as 5/10, it means half. So this will be multiplied by 2 because the reciprocal of 0.5 is 2. ठीक, so आपने जैसे इसको calculate किया, you get the answer for induced EMF after reversing the direction of current in the solenoid is 8.48 multiplied by 10 to the power minus 3. And the SI unit of induced EMF will be the volt. ठीक, तो clear हो रहे बेटा question? कोई difficulty है तो बताएं. Check next question, which is question number 8. A search coil having 2000 turns. तो सबसे पहले आपको given है number of turns coil है यहाँ पर. तो capital N is 2000. With area 1.5 centimeters square, so the value of capital A in SI unit is 1.5 into 10 to the power minus 4 meter square. Then, in a magnetic field of 0.6 tesla, आपने उसको place किया हुआ है 0.6 tesla के uniform magnetic field में, the coil is moved rapidly out of the field. अभी देखो, आप अगर कॉइल को सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मींस इफ इट इज प्लेस्ड,
सो देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इस तरह की कॉइल हमारे लिए बेस्ट पुल है. सो आपको किसी न किसी तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर लेना है तो आपको कॉइल को मूव करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी मूव करेंगे उतना ईएमएफ स्ट्रॉन्ग होगा. सो इट इज गिवन बाय द वर्ड रैपिडली, कि हम जल्दी से उसको मूव करते हैं. अब कैसे मूव करते हैं, अगर आप फील्ड के बाहर मूव कर देते हैं तो फ्लक्स कम हो जाएगा. सो कॉइल को आप मूव करते हैं रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड. तो जैसे ही आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया, एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एंड द टाइम टेकन वॉज 0.2 सेकेंड. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल. सो टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ we have E is equal to d phi divided by dt. हाँ, phi के लिए आपके पास आता है for one turn, this is just A into B, but for n turns, क्योंकि इस question में आपको given है n turns, so this will be n into A into B. We just put the value of phi, so this is d by dt of n A B. अब कॉन्स्टेंट्स को आप यहाँ बाहर ले लेंगे तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स है नंबर ऑफ टर्न्स एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बट जैसे ही हम लोगों ने कॉइल को बाहर निकाला, द एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस. सो वी गेट एन इन टू बी, बट दिस इज डी बाई डी टी ऑफ ए. सो द चेंज ऑफ एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया divided by the time taken. So now we put all the values. So number of turns in the coil is 2000. Then the uniform magnetic field was 0.6. The final area was 0. क्योंकि जब आपने coil को पूरा बाहर निकाल दिया, and the initial area was 1.5 × 10⁻⁴ in SI units. Or ये आपने रैपिडली किया, मीन जस्ट इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड. तो फर्स्ट वी विल बी टेकिंग नंबर्स टुगेदर. अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोला हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो दे आर नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन. सो यू कैन जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज गिवन एज इन द पॉजिटिव फॉर्म. सो लेट्स टेक नंबर्स टुगेदर. This is just 2, मैंने यहाँ से पावर अभी नहीं ली है, into 6 divided by, point कट कर देंगे आप, so this is divided by 2, अब यहाँ से 10 raised to 3 generate हो रहा है, and this minus into minus is plus, so number is 1.5 × 10⁻⁴ plus 3, so we cut this 2, and we get the answer as, small e equals to 0.9 volt, which is the answer for the induced EMF across the search coil. Question number 9 says, an aircraft of wingspan of 50 meter flies horizontally in the earth's magnetic field of 6×10⁻⁵ Tesla at a speed of 400 meter per second. तो फ्लाइज वर्ड है आपके पास, मीन्स दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मोशनल ई एम एफ विच इज ऑलवेज इक्वल टू बी एल वी. सो लेंथ इज गिवन एज 50 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म 6×10⁻⁵ टेस्ला, एंड द स्पीड ऑफ विंग इज गिवन एज 400 meter per second. Calculate the EMF generated between the tips of the wings of the aircraft. So each wing of the aircraft acts as a moving conductor. So between the two ends of the wings, EMF due to motion of the conductor will be generated, which is BLV. So let's put all the values. So this is E equals to B L V. So according to boards, first of all you have to write the given data. Then to find is the motional EMF
then the substitution with proper units. These are the steps, and in last you will be writing answer with unit. If the answer is without unit, without SI or the suitable unit, half mark will be deducted. So this is E equals to 6. I am taking power aside. So this is 10 raised to minus 5. Then the length of the wing is 50 meter and the speed of the aircraft is 400 and the SI unit will be volt. So taking numbers together, 6 into 5 into 4. So we get 3 powers, that is 10 raised to plus 3. So this is 10 raised to 3 and already minus 5 is present. So this is minus 5 and the answer will be in volt. So this is 6, 5s are 30, 34s are 120 into 10 to the power minus 2 volt. So the answer for induced EMF due to the motional EMF is 1.2 volt. So with this